जियो पेमेंट बैंक का ऑलरेडी तो वीडियो बना ही दिया, और जियो पेमेंट बैंक का जो भी करतूत चल रहे, जियो पेमेंट बैंक जो भी कर रहे हैं उनके ऊपर मैं ऑलरेडी बात दिया है, और ऑलरेडी दिखा भी दिया कि जियो पेमेंट बैंक मेरे साथ क्या किया है। जियो पेमेंट बैंक यूजर का साथ फ्रॉड कर रहे हैं, यूजर का डेबिट कार्ड खुद से ब्लॉक कर रहे हैं, और वो इंजाम दे रहा है आम आदमी को जो अकाउंट होल्डर है उनके ऊपर। तो इन तो पर जियो पेमेंट बैंक क्योंकि कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, जियो पेमेंट बैंक के अंदर कॉम्प्लेन करने के बाद भी कोई फायदा हो नहीं रहा, इसीलिए जियो पेमेंट बैंक के अगेंस्ट एक्शन तो लेना ही है। और जियो पेमेंट बैंक के अगेंस्ट कैसे आप एक्शन ले सकते हो उनके ऊपर मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। इस वीडियो पे मैं एक ऐसा पोर्टल के बारे में बताऊंगा जिस पोर्टल पर जाकर आप जियो पेमेंट बैंक के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, और एक्शन होगा ही होगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जियो पेमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम पे या फिर कोई भी जो भी ब्राउजर है उनको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर लिख कर सर्च करना होगा पीजी पोर्टल। पीजी पोर्टल जब भी आप लिख कर सर्च करते हो कुछ इस तरह से एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे सीपीजी ग्राम्स होम करके ऑप्शन है, इस जगह पर क्लिक करना है। और ये रहा इनका होम पेज, इस जगह पर ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सिंपल सा साइन इन पर क्लिक करना है। साइन पर जब भी आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखना है। ये जो ऑप्शन है क्लिक हेयर टू साइन अप, इस जगह पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक साइन अप पेज आएगा, ये पेज को आपको सबसे पहले फिलअप करना होगा। करने के बाद जो सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं सब कुछ फिलअप कर लेता हूँ, करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देता हूँ। जब भी आप सब चीज़ डाल दो, पूरा डिटेल्स देख के डालने के बाद जो साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप पे क्लिक करना होगा। साइन अप पे क्लिक जब भी आप कर लेते हो, क्लिक करने के बाद जो भी साइन अप है, साइन अप कम्प्लीट हो जाएगा। साइन अप जब भी कम्प्लीट होते हैं तभी नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं इधर मेरा साइन अप कम्प्लीट हो चुका है, और एक लिंक है ईमेल एड्रेस पे, जो ईमेल एड्रेस मैंने इस जगह पर डाला था, और आपको भी यही सेम मेल आएगा। जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे उसी मेल पे एक मेल आएगा, उस मेल को करना है ओपन। चलिए मैं मेरा जो मेल आया है उस मेल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मेल के अंदर एक एक्टिवेशन लिंक रहेगा, उस एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक कर आपको इसे एक्टिवेट करना है। अगर आप इस अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करते हो तो आप इन फ्यूचर लॉग इन नहीं कर सकते, इसलिए आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना है। एक मेल आएगा, तो वो मेल कैसे आएगा चलिए वो सबसे पहले दिखा देते हैं कि वो मेल आखिर में आता कैसे। मेल मेल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपके पास जो भी मेल आएगा वो मेल आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेल आ चुका है मेरा मोबाइल पे, और कैसे देखते हैं वो मेल वो दिखाने के लिए ही मैं ये दिख रहा हूँ। देख सकते हैं ये रहा एक है पीजी पोर्टल रजिस्ट्रेशन कर जो ऑप्शन है, ये इस तरह से एक मेल है, और इसी जगह पर देख सकते हैं लिखा है एक्टिवेशन करके, इस जगह पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको जो मोबाइल नंबर है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालना होगा। ये जो गेट ओटीपी के गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। गेट ओटीपी क्लिक करने का तो इस तरह से एक ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को आपको जहाँ पे ठीक तरह से देख कर डालना होगा। एक बार ध्यान रखना जो भी ओटीपी जाता है वो ओटीपी आप ठीक तरह से देख कर डाल देना, कोई भी गलत कुछ मत डालना, क्योंकि अगर आप गलत डाल देते हो तो आपका वेरिफिकेशन कम्प्लीट नहीं होगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुल नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट करने के लिए आपका जो ओटीपी गया है वो ओटीपी डालना होगा, और आपका मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी जाएगा वो ओटीपी थोड़ा लेट पे आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि आपका सर्वर क्या है, वेबसाइट के सर्वर के हिसाब से डिपेंड करके कि ओटीपी कब तक आता है। तो मेरा ओटीपी जो है मैं डाल देता हूँ। मेरा जो भी ओ टी पी है ओ टी पी में डाल दिया। डालने के बाद जो भी कैप्चर है कैप्चर डालना होगा, कैप्चर को भी चलिए डाल देते हैं। कुछ इस तरह से कैप्चर को डालना होगा। डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से देख सकते हो तो ऑप्शन है एक पासवर्ड सेट करने के लिए। तो ये पासवर्ड आपको सेट करना होगा, और ये पासवर्ड आपको याद भी रखना होगा क्योंकि यही पासवर्ड इन फ्यूचर काम पे आएगा लॉगिन करने के टाइम। तो ये कहाँ पे काम पे आएगा वो भी दिखा दूंगा। और देख सकते हो ऊपर लिखा है यूजर नेम, मतलब यानी आपको यूजर नेम भी सेट करना होगा, पासवर्ड भी सेट करना होगा। चलिए यूजर नेम भी सेट कर लेते हैं।
जो भी पासवर्ड है यूजर नेम है वो मैं ऑलरेडी सेट कर लिया। सेट करने के बाद जो भी कैप्चर है कैप्चर को डालना होगा, तो कैप्चर को भी मैं डाल देता हूँ। कैप्चर की भी आप डाल देते हो, डालने के बाद ये आप प्रोसीड कर सकते हो, ये आगे तरफ बढ़ सकते हो। कुछ इस तरह से कैप्चर डाल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। चलिए अपने सबमिट पर क्लिक कर दिया, देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। और ये जो यूजर नेम है, यूजर नेम ऑलरेडी आ गया, यही मेरा यूजर नेम है। और इसी यूजर नेम को आपको लॉगिन करने के टाइम काम पे आएगा। तो सबसे पहले पेज को कर दिया, करने के बाद फिर से वही पेज पे जाते हैं जिस पेज पे पहले था। तो चलिए वही पेज पे जाते हैं। तो ऐसे पेज पे आने के बाद होम पेज पे क्लिक किया, क्लिक करने फिर से साइन इन पे क्लिक करना होगा। साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो ऊपर जो यूजर नेम है या फिर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी कुछ भी आप डाल सकते हो। चलिए मैं यूजर नेम सबसे पहले डाल देता हूँ। डाल दिया, डालने के बाद जो भी पासवर्ड मैं सेट किया था वही पासवर्ड में डाल देता हूँ। चलिए डाल देते थे। पर डालने के बाद जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको ठीक तरह से देना होगा। देने के बाद जो भी कैप्चर है कैप्चर को डालना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इधर पर क्लिक करके रिफ्रेश भी कर सकते हो, जितना अच्छा होगा उतना रिफ्रेश कर सकते हो। रिफ्रेश कर लिया, रिफ्रेश करने के बाद इस जगह पर जो भी कैप्चर है आपका, जो भी कैप्चर जगह पर शो हो रहा है वही कैप्चर आपको इस जगह पर देना होगा। तो कैप्चर को चलिए सबसे पहले धीरे धीरे देने के बाद जो भी लॉगिन है लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर जब भी आप क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से भी जाएगा या नहीं, जो भी होम पेज है होम पेज ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इसी जगह से आपको आपका जो भी कॉम्प्लेन है, आपका जो भी कॉम्प्लेन फाइल करना है वो आप इस जगह से कर सकते हो। एक बार ध्यान रखना, इनका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, देख सकते हो ऊपर लिखा है मोबाइल ऐप। इस जगह पर क्लिक करके भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और मोबाइल से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। इस प्रोसेस में जो मैं सिस्टम पर दिखाया, इस जगह पर एक लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शन है और मिडिल पे कुछ ऑप्शन है, जहाँ पे नंबर ऑफ ग्रीवेंस क्लोज, नंबर ऑफ ग्रीवेंस पेंडिंग, टोटल ग्रीवेंस रजिस्टर्ड, कुछ इस तरह से ऑप्शन है। आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। अगर आपको नया करके ग्रीवेंस रजिस्टर करना है तो इस जगह पे लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस करके जो ऑप्शन है इस जगह पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन है, यानी ये कौन से ग्रीवेंस आप इस जगह पे रजिस्टर नहीं कर सकते वही जगह लिखा है, जहाँ पे RTI मैटर्स, कोर्ट रिलेटेड रिलीजियस मैटर, सजेशंस, ग्रीवेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कुछ इस तरह से। मतलब ये जो 6-7 जो भी ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से अगर कोई भी ग्रीवेंस है आपका तो आप इस जगह पे आप लॉन्च नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक्स व्हिच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ग्रीवेंस, ये जो ऑप्शन है पढ़ सकते हैं। ओके, मतलब ये जो ऑप्शन है, ये जो टोटल 5 से ऑप्शन है आपको जगह शो हो रहा है, इनमें से अगर कोई भी ग्रीवेंस है आपका, कोई भी शिकायत है इन सभी के ऊपर, तो आप इस जगह पर ग्रीवेंस नहीं डाल सकते। आपको कंप्लेन करना अगर है तो कोर्ट पे जाकर, या फिर जो भी रिलीजन मैटर है जो कुछ, जो भी सब कुछ आपको कोर्ट पे जाना होगा। इस जगह पे होगा नहीं, जो नेशनल कंज्यूमर पे भी सेम है। जब ज़्यादा कुछ जगह नहीं है, जो IAGD का ऑप्शन है जब क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा और सबमिट पे जब आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कौन सा मैटर के ऊपर आपको कॉम्प्लेन करना है या फिर ग्रीवेंस रेस करना है। ओके, ये जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार ध्यान रखना, आँख बंद करके आप सिलेक्ट मत करना। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका परेशानी है, वही आपको सिलेक्ट करना है। जहाँ पे सबसे पहले है बैंकिंग, अगर आपको बैंकिंग के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बैंकिंग के अंदर जाकर कंप्लेन कर सकते हो। अगर कोई भी लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है कुछ प्रॉब्लम कर सकते हो। इनकम टैक्स के ऊपर अगर कोई भी कंप्लेन करना है तो कर सकते हो। पोस्ट के अंदर अगर है तो, अगर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है तो, अगर होम अफेयर्स के अंदर है तो, अगर हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के अंदर है तो, अगर पर्सनल एंड ट्रेनिंग के लिए कोई भी है तो, अगर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए कोई भी है तो इस जगह पे, अगर फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस डिवीजन कर इनके अंदर अगर कुछ है तो आप जगह कर सकते हो। मतलब अलग अलग है, अलग अलग के अंदर आपको कंप्लेंट करना है, ग्रीवेंस रेज करना है। क्योंकि मेरा है बैंकिंग के ऊपर, इसलिए मैं बैंकिंग इस जगह पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट इस जगह बैंक इस जगह लिखा है फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग डिवीजन, और सब मेन कैटेगरी सब मेन कैटेगरी इस जगह पे कौन सा प्रॉब्लम है आपका वही इस जगह देना होगा। जैसे कि बैंक लॉकर रिलेटेड डिफिशेंसी इन कस्टमर सर्विस रिलेटेड, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस एंड NBFC, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना रिलेटेड, एग्रीकल्चर क्रेडिट और डेबिट कार्ड रिलेटेड जो भी है मेरा। क्योंकि ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड रिलेटेड, इसलिए मैं जब क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी के अंदर जब जाकर क्या है आपका प्रॉब्लम, वो जैसे कि डिटेल नॉन रिव्यूल फेल ट्रांजेक्शन, नॉन फंक्शन ऑफ ATM, लेवी फाइनल चार्जेस, मतलब कौन सा क्या है वो ही आप इस जगह पे सिलेक्ट कर सकते हो। नॉन फंक्शनिंग और ATM क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस जगह पे ब्रांच और नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच मतलब आपका जो भी बैंक है, बैंक
उस जगह पे क्या है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इस जगह पे अगर कोई भी आदर्श है तो आदर्श का अंदर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे नॉन फंक्शन है, नॉन फंक्शन का अंदर जाकर आप वो नॉन फंक्शन एटीएम लेवी ऑफ सर्विस चार्जेस, लेवी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चार्जेस, नॉन इंश्योरेंस इशुएंस, नो नॉन इशुएंस ऑफ क्रेडिट डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड सेट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक, मतलब कौन से बैंक के अंदर आपको कमेंट करना है। लेकिन एक बात इस जगह पे आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरा ओपन हो चुका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई के पास भी आप कॉम्प्लेन भेज सकते हैं। यानी आरबीआई से अगर आपका कोई भी शिकायत है, अगर आरबीआई आपका बात नहीं सुन रहा है, अगर आरबीआई से कोई भी दिक्कत आपको हुआ है, तो आप आरबीआई के अगेंस्ट भी कॉम्प्लेन कर सकते हैं। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे ऊपर है, जिनके ऊपर कोई नहीं होता, उनके अगेंस्ट भी कॉम्प्लेन कर सकते हो। इस जगह पर जाकर आप बैंक नाम सेट करना होगा, जैसे कि जियो पेमेंट बैंक में सेट कर लिया। इस जगह पे आप जो भी बैंक है, बैंक का नाम जगह सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मेरा ऑलरेडी जियो पेमेंट बैंक, लेकिन जियो पेमेंट बैंक लिस्ट पे है नहीं, इसलिए इस जगह पे सबसे लास्ट है आदर्श प्राइवेट सेक्टर जो ऑप्शन। इस जगह पे क्लिक करके आप आपका बैंक का नेम और ब्रांच नेम सेट कर सकते हो, अकाउंट नंबर भी सिलेक्ट करना होगा। चलिए सब कुछ लिख देते, जो भी आपका नेम, बैंक का नेम है, बैंक का नेम जियो पेमेंट बैंक। जब लिख दे रहने के बाद अभी अकाउंट नंबर है, आपका अकाउंट नंबर लेना होगा। आपका अकाउंट नंबर आपका जियो पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन के अंदर शो हो जाएगा, जियो फाइनेंस या फिर माई जियो ऐप के अंदर। चलिए अकाउंट नंबर देख कर लिख लेते और बाकी देख लेते। जब भी अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर जब डाल दो, डालने के बाद नीचे की तरफ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो आपको रिमार्क्स के अंदर आपको कुछ देना होगा, जो दूसरे कैरेक्टर के अंदर ही होगा। यानी जो भी प्रॉब्लम आपको हुआ है, वो प्रॉब्लम आपको इस जगह पे ठीक तरह से लिख कर देना होगा, क्योंकि इनके ऊपर ही एक्शन लिया जाएगा। जो भी लिखा हुआ है वो मैं जगह पे डाल दूंगा, बाकी देखते। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इस जगह पे लिखित रूप पे आपको देना होगा रिमार्क्स के अंदर। यानी क्या क्या आपके साथ हुआ है, क्या क्या किया गया है आपके साथ, वो सब कुछ देना होगा। देने के बाद आपको एक ग्रीवेंस को सबमिट करना होगा। जो भी लिखा है मैं जब कुछ मेरे जैसे मैं लिख दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करते। और इसी जगह पर अगर कुछ अगर ऐड करने को, अगर रिमूव करने है, तो भी आप कर सकते हो। ये जब भी आप लिख देते हो, लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा, वेट करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा और कुछ ओवरव्यू इस तरह से आपको दिखाया जाएगा। यानी जो भी ओवरव्यू है वो ओवरव्यू आपको ठीक से देखना होगा। देखने के बाद जो भी कैप्चर है, कैप्चर को आपको देखना होगा। जो भी कैप्चर है, कैप्चर आप ठीक तरह से लिख लीजिए। कैप्चर जब भी आप लिख गए थे, कैप्चर लिखने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा, जब तक लोडिंग कंप्लीट ना हो। लोडिंग कंप्लीट होने तक थोड़ा वेट करने के बाद देख सकते हैं ग्रीवेंस हो चुका है। यानी जब ग्रीवेंस आपका है, ग्रीवेंस रजिस्टर हो चुका है और इसी ग्रीवेंस के अगेंस्ट बाद में एक्शन लिया जाएगा। तो यही तक वीडियो, और इसी वीडियो पे यही बताया जितना था, वही डेट्स के बारे में बताने के लिए कोशिश किया। एक्सप्लेन किया आपके लिए, थोड़ा डेट टू है। अगर प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। वीडियो।